हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IES-GATEWiz। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक कर सकते हो और मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हो। इस वीडियो में मैं गुप्ता एंड गुप्ता की जो सिविल इंजीनियरिंग की ऑब्जेक्टिव की बुक अवेलेबल है उसके 10 क्वेश्चंस कंक्रीट स्ट्रक्चर्स के मैं यहाँ डिटेल में डिस्कस करूँगा। ये वीडियो बनाने की ज़रूरत मुझे लगी क्योंकि जनरली ये देखा गया जितने भी ऑब्जेक्टिव या प्री एग्ज़ाम्स हो रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स के, उसमें इस बुक से घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे जनरली क्वेश्चंस मेमोराइज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहला क्वेश्चन है कि मॉडुलस ऑफ रप्चर में टेस्ट में हमारा क्या साइज़ यूज़ किया जाता है। सबसे पहले आप ये समझ लें मॉडुलस ऑफ रप्चर होता क्या है। मॉडुलस ऑफ रप्चर हमारा फ्लेक्चर टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है जिसे हम बेंडिंग स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं, जो हमारा यहां पे मोल्ड का साइज पूछ रहा है। एज पर IS-516 ये टेस्ट हमारा एक बीम शेप के मेंबर पे परफॉर्म किया जाता है। इसका जो साइज होता है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 150x150 होता है और जो लेंथ होती है बीम की वो 700mm होती है। इस टेस्ट को परफॉर्म करते समय इसको 38mm के दो रोलर्स पे रखा जाता है जिसके बीच की स्पेसिंग 600mm रहती है और इस पर 2/3 लोडिंग की जाती है। पी लोड मान लेते हैं अगर हम एट 1/3 दूरी पे 200, 200 और 200। सो हमारा जो लोड, हमारी मॉडुलस ऑफ रप्चर यानी बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो निकल कर आती है वो आती है स्मॉल पी बाई एल बाई बी डी स्क्वायर, जो हमारी मॉडुलस ऑफ रप्चर है। दिस इज मॉडुलस ऑफ रप्चर। दिस इज फॉर व्हेन ए इज ग्रेटर देन 200mm। ए हमारी जो डिस्टेंस है जहाँ पर भी हमारा क्रैक इनिशिएट होगा पहला, वहाँ से नियरेस्ट सपोर्ट के बीच की दूरी है और ये फार्मूला तब वैलिड है जब ये हमारी 200mm वैल्यू से ज़्यादा हो। ये टेस्ट परफॉर्म करने से पहले इस मोल्ड को हम 27 ± 3 °C पर रखते हैं फॉर 48 आवर्स। ये इम्पॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रखिए। और जो हमारा, अगर ये कंडीशन तब है हमारी जब कैन बी यूज, जब हमारा एग्रीगेट साइज 30mm तक हो, इससे ज़्यादा के लिए टेस्ट वैलिड नहीं है। IES कोड ये कहता है कि अगर हमारा मैक्सिमम एग्रीगेट साइज जो है लेस देन आर इक्वल टू 18mm है तब जो हम मोल्ड साइज यूज कर सकते हैं इस टेस्ट में वो 100 × 100 × 500 mm। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर यहां पे स्पेसिफिकली मेंशन किया होता कि हमारा एग्रीगेट साइज जो 18mm से लेस है हमारा आंसर डी हो जाता, बट यहां पे मेंशन नहीं किया हुआ है एग्रीगेट साइज के ऊपर, तो हमारा जो 38mm तक हमारा जनरल जो टेस्ट प्रोसीजर है उसमें जो साइज यूज करते हैं बीम का वो 115 × 115 × 700 है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेश कंक्रीट इन विच वाटर इन द मिक्स टेंड्स टू राइज टू द सरफेस वाइल प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग। इसमें जो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी दी हुई है सिग्रीगेशन, सिग्रीगेशन का मतलब होता है जो हमारा सिग्रीगेशन होता है That is separation of coarse aggregate from fine aggregate। हमारे जो coarse aggregate और fine aggregate particle हैं वो आपस में अलग होने लगते हैं, या paste from coarse aggregate or water from the mix। जब ये हमें visually ये दिखेगा तो इस procedure, इस phenomena को हम segregation बोलते हैं। Generally ये हमारा dry नॉन स्टिकी मिक्स में होता है जिसकी वजह से हमारे जो एग्रीगेट
इंग्रेडिएंट्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रह जाते, और ये होता है, कॉजेज इसके होते हैं कि ओवर वाइब्रेशंस अगर हम कर देते हैं कंक्रीट में, या कंक्रीट को हाइट से गिराते हैं, या ट्रांसपोर्ट ओवर लॉन्ग लार्ज डिस्टेंसेस, तो हमारा ये फेनोमेना सिग्रीगेशन देखने को मिलता है। जो हमारा ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग जो होता है वो ऑटोजेनस मीन्स अपने आप, फ्लो ऑफ मिक्सिंग वाटर, जो हमने पानी मिलाया है कंक्रीट को में मिक्सिंग के दौरान, वो पानी बाहर आने लगता है, वो दैट टेंड्स टू राइज, जिसे हम बोल सकते हैं कि अपवर्ड माइग्रेट करना, अपवर्ड माइग्रेशन ऑफ वाटर। ये फेनोमेना भी हमारा जो है दैट इज़ नॉट गुड फॉर कंक्रीट, इसकी वजह से जो हमारे एक्सेसिव वाइब्रेशंस इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एयर एंट्रेनिंग एजेंट्स, सीमेंट को फाइन करके, या यूनिफॉर्मली ग्रेडेड एग्रीगेट को यूज करके हम इस प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। तो जो ये दोनों हमारी प्रॉपर्टीज हैं, ये हमारी फ्रेश कंक्रीट में होती हैं। जो क्रीप फेनोमेना है, जो जिसे हम कहते हैं कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विथ टाइम अंडर लोड, बल्किंग जो होती फेनोमेना हमारी सैंड्स में होती है, सो ये रिलेवेंट ऑप्शन है यहाँ के लिए। जो क्रीप फेनोमेना है, इसमें हमारा कंक्रीट में स्ट्रेन बढ़ता है टाइम के साथ अंडर सस्टेन्ड स्ट्रेस। सो जो हमारा यहाँ पे पूछ रहा है कि अपवर्ड मिक्सिंग, अपवर्ड राइज जो होता है पानी का, उसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सो इसका आंसर, करेक्ट आंसर है ब्लीडिंग। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो आता है, इसमें लिखा हुआ है कि इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। इससे पहला स्टेटमेंट है लीन मिक्सेस ब्लीड मोर एज कम्पेयर टू रिच वन, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लीन मिक्सेस का मतलब होता है जिसमें हमारा सीमेंट की क्वांटिटी इज लेस, जनरली लेस देन 10% ऑफ टोटल कॉन्टेंट्स ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, जो भी कंक्रीट में टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं उससे 10% से ज़्यादा क्वांटिटी कम होगी तो लीन कंक्रीट होगी, जिसमें जो हमारी कोहेसिवनेस होगी वो बहुत कम होगी, कोहेसिवनेस इज वेरी लेस ड्यू टू लैक ऑफ फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड या सीमेंट। तो हमारा जो पेस्ट होगा बॉन्डिंग के लिए वो कम होगा लीन मिक्सेस में, सो हमारी इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। रिच में हमारा जनरली जो सीमेंट पेस्ट होगा जनरली मोर देन 15% होगा सीमेंट कंटेंट, सीमेंट पेस्ट में जो 15% ऑफ द टोटल इंग्रेडिएंट्स। जो ब्लीडिंग होती है इसे हम, जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि इट्स कैन बी रिड्यूस बाय एडिंग पोजोलोना एंड फाइनर एग्रीगेट्स। पोजोलोना क्या करते हैं हमारे, ये हमारे एडमिक्सचर की तरह काम करते हैं एंड दे रिड्यूसेस द ब्लीडिंग फेनोमेना। जो कैल्शियम क्लोराइड है हमारा, ये हमारा एक एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेटर मीन्स इट रिड्यूसेस द सीडिंग टाइम। हम जैसे ही सीमेंट में या कंक्रीट को बनाते समय, मिक्स करते समय इसको डालेंगे, जनरली हमारा कैल्शियम क्लोराइड यूज होता है, रिड्यूस सेटिंग टाइम, और इट जो फ्री वाटर कंटेंट होता है अवेलेबल उसको रिड्यूस कर देता है, ये कैल्शियम क्लोराइड उसको फास्टर रेट से रिड्यूस करता है, सो हमारी ब्लीडिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। सो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है, सी इज द करेक्ट आंसर, और गुप्ता एंड गुप्ता में इसका आंसर डी दिया है, सो कंफ्यूज ना हो, इसमें थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि किस प्रॉपर्टी से, द प्रॉपर्टी ऑफ इंग्रेडिएंट्स टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर वाइल प्लेसिंग द कंक्रीट, इसका आंसर आपका हमारा सिग्रीगेशन हो जाएगा, जो मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया है। जो श्रिंकेज होता है हमारा, ये हमारा टाइम डिपेंडेंट फेनोमेना होता है, टाइम डिपेंडेंट फेनोमेना। जिसकी वजह से जो हमारी स्ट्रेन्स होती हैं
वो टेंसाइल नेचर की कंक्रीट में डेवलप हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी क्रैक्स कंक्रीट में हो जाते हैं। और ये जनरली होता क्या है, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट जो होती कॉन्ट्रैक्ट करती है इन द अब्सेंस ऑफ लोड। और ये होता इसलिए क्योंकि जो कंक्रीट की मिक्सिंग के दौरान हम पानी डालते हैं, ओके, वो इवेपोरेट करता है, उसके लॉस से जो कॉन्ट्रैक्शन होता है कंक्रीट में, दैट इज प्लास्टिक श्रिंकेज। और जो हमारा जब कंक्रीट सेट एंड ड्राई हो जाती है तो हमारा जो श्रिंकेज होता है वो हमारा ड्राइंग श्रिंकेज होता है। अगर हम इसका ग्राफिकली ग्राफ प्लॉट करें तो ये कुछ ऐसा आएगा, टाइम और स्ट्रेन जो हमारा श्रिंकेज का, स्टार्टिंग में हमारा कुछ ऐसा रहेगा, उसके बाद हमारा ये ऐसे हो जाएगा। तो जो ये पोर्शन है हमारा, अगर हम इसको एक्सटेंड कर लें तो दिस इज ड्राइंग श्रिंकेज। और ये जो हमारा फेनोमिना हो रहा है यहाँ पे, ये प्लास्टिक श्रिंकेज है, जो कि पानी जो हमारा एब्जॉर्ब हो गया एग्रीगेट में, उसके लॉस से हमारा जो कॉन्क्रीट में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, तो दैट इज प्लास्टिक श्रिंकेज। और जो आफ्टर कंक्रीट इज हार्ड, इस पॉइंट के बाद हमारी जो कंक्रीट है वो स्टार्ट्स टू हार्ड एंड सेट। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सिग्रीगेशन होगा, इसमें हमारे जो एग्रीगेट्स, फाइन एग्रीगेट्स एंड पेस्ट फ्रॉम कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर एंड अदर इन्ग्रीडियंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहते और अलग हो जाते हैं, ओके okay? उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी किसके प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब है कि हमें बताना है कि किसके बढ़ने से या घटने से वर्केबिलिटी बढ़ती या घटती है। सो वर्केबिलिटी हमारा एक वो फेनोमिना होता है, ईज ऑफ प्लेसिंग कंक्रीट, कितने ईज से हम कंक्रीट को 100% कॉम्पैक्ट करके किसी भी लोकेशन पे प्लेस कर सकते हैं, वो वर्केबिलिटी होती है। ये हमारी एक फ्रेश कंक्रीट की प्रॉपर्टी होती है, फ्रेश कंक्रीट प्रॉपर्टी। तो जितना ज्यादा हमारा हायर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो होगा उतनी हमारी वर्केबिलिटी लेसर हो जाएगी। जितना जैसे जैसे टाइम ऑफ ट्रांजिट मीन्स है, कंक्रीट को मिक्सिंग के बाद एक जगह से दूसरी डिजायर्ड लोकेशन पे ले जाने में अगर ज्यादा टाइम लग रहा होगा तो हमारी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी, बिकॉज लॉस ऑफ मॉइस्चर इज देयर। जैसे जैसे हमारा पानी लॉस होता जाएगा कंक्रीट की मिक्स से, वैसे वैसे वर्केबिलिटी कम होती जाएगी। तो ये दोनों ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो गए, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हो जाएगा इन दोनों के। एंड ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट का मतलब है कि जो हमारा प्रॉपरली ग्रेडेड एग्रीगेट्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी होगा, बिकॉज हमारी जो वाइड्स होंगी वो लेसर होंगी। सो एक्सेस सीमेंट पेस्ट विल बी अवेलेबल एज अ लुब्रिकेंट, अवेलेबल एज लुब्रिकेंट, जो कि वर्केबिलिटी में हेल्पफुल होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी वर्केबिलिटी, और जो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो टाइम ऑफ ट्रांजिट है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, जैसा कि ऊपर डिस्कस किया गया, इसमें जो हमारी टाइम ऑफ ट्रांजिट है हम जैसे जैसे दूर बढ़ाते जाएंगे वर्केबिलिटी कम होती जाएगी। सो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा हमारा। बाकी वाटर सीमेंट रेशियो अगर हम बढ़ाएंगे तो हमारी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी, बिकॉज फ्री वाटर हमारा ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा, फ्लूडिटी बढ़ जाएगी। एयर कंटेंट हम बढ़ाएंगे मिक्स में तो हमारी वर्केबिलिटी हो जाएगी, बिकॉज वाइड्स बढ़ जाएंगी। जो हमारा साइज ऑफ एग्रीगेट है, अगर हमारा साइज ऑफ एग्रीगेट होगा ज़्यादा होगा तो लेस वेटेड सरफेस हो जाएगा, तो जो हमारा सीमेंट पेस्ट होगा रिक्वायरमेंट पर यूनिट एरिया के लिए वो लेसर हो जाएगा, और जिसकी वजह से हमारा जो वर्केबिलिटी में जो पेस्ट वर्केबिलिटी कंट्रीब्यूट कर रहा है वो बढ़ जाएगी। सो वर्केबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी साइज ऑफ एग्रीगेट बढ़ाने के साथ साथ। सो इसमें हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वर्केबिलिटी इज द
फर्स्ट आंसर टाइम ऑफ ट्रांजिट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू कितनी होती है। जैसा मैंने ऊपर ग्राफ में अभी बताया आपको कि जो हमारा एक शोर्स करके एक बंदा था जिसने एक्सपेरिमेंटली श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू जो दी हुई है अल्टीमेट श्रिंकेज स्ट्रेन की दैट इज 0.00125 माइनस ह्यूमिडिटी इन फ्रैक्शन, जो एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी उस पर डिपेंड करती है, टाइम डिपेंडेंट स्ट्रेन होता है। हमारा जो टाइम के साथ इसकी वैल्यू है उसका रेट है इट डिक्रीजेज विथ टाइम। ओके सो जो हमारा IS-1343 है प्री स्ट्रेस का कोड है वो ये रिकमेंड करता है कि जो हमें श्रिंकेज स्ट्रेन की वैल्यू लेनी है फॉर प्री टेंशन मेंबर्स दैट शुड बी ऑफ ऑर्डर 3×10⁻⁴ एंड फॉर पोस्ट टेंशन मेंबर्स इट इज 0.0002/log(t+2) वेयर टी इज द क्योरिंग टाइम। जनरली हम ले लेते हैं, जनरली ये टाइम होता है एज, कंक्रीट की एज एट ट्रांसफर ऑफ लोड, एट ट्रांसफर ऑफ लोड। ठीक है सो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बाकी सब इररिलेवेंट ऑप्शंस हैं। ये जो श्रिंकेज स्ट्रेन होता है ये टेंसाइल नेचर का होता है हमारा, जिसकी वजह से कंक्रीट में क्रैकिंग हो जाती है। सो डिज़ाइन में हमें ये वैल्यू लेनी होती है एंड विथ सम फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इससे हम कुछ कम वैल्यू लेते हैं जब हम सर्विसबिलिटी के लिए डिज़ाइन करते हैं कंक्रीट को। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर एंट्रेनमेंट से क्या होता है कंक्रीट में। एयर एंट्रेनमेंट का मतलब होता है कि कंक्रीट में इंटेंशनली एयर इंट्रोड्यूस की जाए, इंटेंशनली, ताकि जो हमारे वॉइड्स हैं फ्री वॉइड्स बट डिसकॉन्टिन्यूस, अगर हमारे कॉन्टिन्यूस होंगे तो हमारी परमेबिलिटी कंक्रीट की बढ़ जाएगी और कंक्रीट की जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। सो हमारे जो वॉइड्स ऐसे जनरेट हों जो डिसकॉन्टिन्यूस हों और जिनका जनरली साइज जो होता है लेस देन 0.55 है, ये माइक्रोस्कोपिक स्टडी में निकाला गया है। जो इनकी वैल्यू होती है एयर इंट्रेनिंग एजेंट्स की, जनरली कंक्रीट में 4-7% लेते हैं और जो जनरली केमिकल यूज किया जाता है जिसे हम सरफेस एक्टिव एजेंट्स भी बोलते हैं, दैट इज कैल्शियम लिग्नोसल्फेट यूज करते हैं जो कि डिस्पर्सिंग एजेंट्स भी कहलाते हैं। और ये हमारे क्या करते क्या है कि जब हमारे वॉइड्स बन जाते हैं तो जो हमारा सीमेंट पेस्ट है पर यूनिट एरिया उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है और मोर फ्री वाटर इज अवेलेबल टू इनहेंस द वर्केबिलिटी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, स्ट्रेंथ हमारी घट जाती है, इट रिड्यूसेस, जो हमारी कंक्रीट की डेंसिटी है वो भी रिड्यूस हो जाती है बट टू अ सर्टेन लिमिट इट शुड बी अलाउड। सो एयर इंट्रेनिंग एजेंट का जो कंपोजिशन है जो जितना में डालना है दैट शुड बी केयरफुली सिलेक्टेड, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद हमारा जो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, तीनों टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है हमारा, ये हमारा बेंडिंग स्ट्रेंथ टेस्ट से निकलता है और IS-456 ने इसको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से रिलेट किया हुआ है, दैट इज 0.7√FCK। जो हमारा ये टेस्ट है ये इनडायरेक्ट टेस्ट होता है फॉर मेजरिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टेस्ट जो होता है कंक्रीट को एस्टिमेट करने के लिए स्ट्रेंथ को, टेंसाइल स्ट्रेंथ को एस्टिमेट करने के लिए, दैट इज स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये इट इज डन बाय IES-15816 प्रोसीजर। इस टेस्ट को हम IES-516 कोड के प्रोसीजर के हिसाब से करते हैं। इसमें जो ये टेस्ट होता है दैट गिव्स मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स और इसकी वैल्यू जो होती है एक्सपेरिमेंटली, ये कहीं कोडल प्रोविजन में नहीं है ये, बट जो हम इसको एम्पेरिकली ये ले सकते हैं ड्राइव किया हुआ है, इट्स वैल्यू इज अराउंड 0.5√FCK।
इसको भी मैंने रिलेट किया हुआ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से, आप इसे ध्यान रख सकते हो। उसके बाद हमारी जो आती है जनरली ये इट इज़ 5-12% हायर देन डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद हमारी जो थर्ड डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, इसमें जो लोडिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा रहता है, एक सिलेंडर रहता है 150x300 mm का, इसके ऊपर प्लेटेंस लगा के हम वर्टिकल कंप्रेसिव लोड अप्लाइड करते हैं और जो हमारा क्रैक होता है वो टेंसाइल में कंक्रीट ब्रेक करती है। सो इट्स अ बेटर वे ऑफ इंड्यूसिंग टेंसाइल स्ट्रेसेस। इसमें हमारा बीम फॉर्म में हम बेंडिंग स्ट्रेंथ निकाल दें तो 2 पॉइंट लोडिंग करते हैं वैसे टेस्ट निकलता है। एंड बिकॉज जो डायरेक्ट हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट है, जो कि जिसे हम ब्रिक्विट टेस्ट भी बोल सकते हैं, ये जनरली परफॉर्म नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ यूनिएक्सियल लोड अप्लाई करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट इन प्रैक्टिकल। सो ये अब टेस्ट नहीं किया जाता। सो हम असेस करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं कंक्रीट में, और जनरली जो इसकी वैल्यू है हमारी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ की, वो अराउंड 0.35 √FCK से रिलेट की हुई है। दीज आर नॉट द गाइडलाइंस ऑफ द कोड, सिर्फ ओनली हमारा जो 456 कोड है वो ये वैल्यू रिकमेंड करता है। ये दोनों वैल्यूज आप मेमोराइज कर सकते हैं फॉर एस्टिमेटिंग दी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ओनली। सो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें वो बी हो जाएगा। इसमें हमारी जो रप्चर बेंडिंग स्ट्रेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, एंड दैट इज 5-12% हायर देन दी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारी रेशियो होता है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ फ्लेक्चर, जैसा कि मैंने बताया जो हमारी डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो हमारी 0.35 √6 से अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, और फ्लेक्चर स्ट्रेंथ जो है हम जो हमारा कोड बोलता है IS-456 √FCK के, तो अगर दोनों का आप रेशियो निकालोगे तो यू विल गेट अराउंड 0.5। सो आंसर इज 0.5, और जनरली जो इसकी प्रैक्टिकल रेशियो है जो एक्सपेरिमेंट से निकाली गई है टेस्ट के परफॉर्म करके, दैट इज 0.48 to 0.63। सो आप एवरेज अगर लोगे इसका तो हमें इसकी वैल्यू 0.5 मिल जाएगी। इट्स करेक्ट आंसर इज बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इस तरह क्वेश्चंस बनाता रहूँगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।